बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज रमज़ान के 30 मुबारक रोजे रख के पूरी दुनिया में अज ईद उल फितर की जड़ी नमाज हो रही है। तकरीबन 2 साल करोना की महामारी चल रही थी, तो जिन्या भी नमाजा ने वह मस्जिद में करोना का जोड़ा प्रोसीजर सीगा हिसाब न ही हो रही सी। इस बारी पहले साल होया कि पहला तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा साड़ी गौरमेंट नूं इंडिया दी कि असी जिहड़ी करोना की बीमारी आ उहदे ते असी जित प्राप्त कीती आ। उहदे सदका ही अज असी ये पहला साल आ करोना महामारी तो बाद जदों असी मोगा की ईदगाह विच इन्ने इकट्ठ ने नमाज़ पढ़ी है। इस तहत मैं दुनिया विच सारे वसदे पंजाबियों नूं साडे देश वासियों नूं अज दे इस मुबारक ईद उल फितर दे त्यौहार दीआं मुबारकबाद पेश करदा ते दुआ करदा कि जिन्हें भी लोग साढ़े करोना की महामारी करके इस दुनिया च वफात पा गए या अल्लाह उन्हां दी मगफिरत अता फरमाए। होर भी जिन्हें भी लोग जेडे कि करोना दे नाल करोना दे जेडे वो कहिंदे हुंदे सी भी योधे सीगे करोना करके वह भी इस दुनिया चो चले गए ने, या अल्लाह उन्हां नूं जन्नत नसीब अता फरमावे। तो अज के इस मुबारक दिन से मैं एक बार फिर तो सारे देशवासियों नूं मुबारकबाद पेश कर दा। सर ईद उल फितर का त्यौहार है तो की मैसेज की देना चाहोगे तुसी आम पब्लिक नूं? देखो अज के टाइम तो अज के वक्त के हिसाब नाल मैसेज तो बहुत क्लीयर है। सारयां नूं संदेश देना चाहुंदा कि आपां नूं जिहड़ी धर्मां विच फिरका प्रस्ती आ ना आपां सारयां नूं उदों तों उठ जाणा चाहीदा है। जिवें आपां साडे बजुर्ग आपस मिल के चाहे वह सिख सी चाहे हिंदू सी चाहे मुसलमान सी असी दिवालियां कट्ठियां मनाउंदे रहे हां, असी गुरपुरब कट्ठे मनाउंदे रहे हां, असी ईद कट्ठे मनाउंदे रहे हां, असी क्रिसमस कट्ठे मनाउंदे रहे हां, ते अज की हो गया सानू? अज असी एक दूजे नाल एवें मूँह बना के पासे हो जाने हां? नहीं, असी ये नहीं करना। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सारे भाईचारे वालों कि फिरका प्रस्ती तो उठ के सानू अगे आंगू मोढ़े ना मोढ़ा ला के आपदे देश दे विच मेहनत करके सारी दुनिया च देश दा नाम रोशन करना, साडे पंजाब दा नाम रोशन करना, यही सारे नूं संदेश है। सर अज पूरे देश विच ईद दा त्यौहार मनाया जा रहा है, 30 दिन रोजे रखने तो बाद अज ईद मनाई जा रही है, किवें लग रहा? बिल्कुल जी, आज तो बहुत खुशी का दिन है थोड़े चैनल राही मैं अपने सारे ही शहर वासियों तो देश वासियों सारे ना पहला ईद की मुबारकबाद देना चाहना। तो अज इस मुबारक मौके से ईद के दिन उत्ते अकासा रोड मोगा विखे ईद की नमाज पढ़ी गई है। ये नमाज मौलाना जमशेद आलम द्वारा पढ़ाई गई है। असी इस नमाज के खुशियां का त्यौहार है। इस टाइम जो देश के माहौल चल रहा है वा, मैं सबनों ये भी मैसेज नाल देना चाहना वा भी इतने नमाज पढ़ने के सारे देश लिए सारे अपने शहर लिए सलामती लिए दुआ की गई है। तो नाले जो देश के माहौल चल रहा धर्मां नूं लैके मैं एक मैसेज देना चाहना भी साडा देश एक गुलदस्ता फुलों का गुलदस्ता वा। असं अलग अलग तरह के फुल बन के असं फेरे रहने हैं जोड़े शरारती अंसर लोगों के फर्क पाते हैं। असं उन्होंने भी मैसेज चाहना भी ये फर्क ना पाओ, अभी सारे मिलजुल के रही अब ईद के मौके पर 30 दिन रोजे रखते हैं। 30 दिन रोजे रखने तो बाद साडे कोल इह दिन जिहड़ा आंदा वा बहुत खुशियां भरिया त्यौहार दिन आता ईद का त्यौहार। इस त्यौहार से ही सब शहर वासियों नूं मैसेज देना चाहते हैं भी आप एकजुट होकर रहिए, अपने सारे धर्मां जिन्हें भी अपने देश के अपने शहर के लोग बनते हैं रेंदे है सारे अपनी एकजुट अपनी ताकत दिखाइए तो मिलजुल के रहिए। धन्यवाद।